इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन के अंदर अगर हमारा हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब हम यहाँ पर लॉक लगाते हैं तब, तो हमें क्या करना चाहिए जब इस तरीके से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सेटिंग्स रहती हैं यहाँ पर, जैसे पासवर्ड की और अलाउ अदर्स ज्वाइन, तो ये स्टार्ट रहने चाहिए ऑप्शन। और यहाँ पर बाकी और कुछ नहीं करना आपको। एक तो यहाँ पर आप जो है जर्नल में जाइए बस, ठीक है। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर रीसेट पर जाइए। रीसेट पर जाने के बाद यहाँ से रीसेट ऑल नेटवर्क, रीसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके रीसेट मार लेना है सबसे पहले। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर जाकर रीसेट मार देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, देन उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाना है और यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे अपने फ़ोन को तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट से रिलेटेड फिर उसके बाद, ठीक है। तो इतना ही आप करिएगा, बाकी अगर यहाँ पर कुछ चीज़ ख़राब होगी अंदर से फ़ोन के तो वो ठीक नहीं हो पाएगी बस, बाकी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगी सारी की सारी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।